करी होगी, चल देखते हैं। हाँ हाँ ठीक है भाई। फोटो मिल गई है, हम लोग इसे ढूंढना शुरू करते हैं। ए गुरु चल, एक जरूरी काम कर रहा हूं, दिमाग मत खाओ रे, बाद में आके मिलता हूं ना। चल पहले तू गाड़ी में बैठ। ए आकर मिलूंगा बोल दिया ना, तू जा। ए इसे उठा के ले चलो। अरे दारू नहीं करना चाहिए, बोला ना तेरे को। ए चलो चलो भागो भागो इधर से, बात सुन लेनी चाहिए ना। आयुष्मान भव। चुप रहे वरना तेरे को। माँ कसम, ए उड़ी मारना, ये खून कैसे निकला? तूने मारा मुझे, तूने ही मारा। अरे नूडल की औलाद, अरे कच्चे नूडल, ये ले पक गए। हे अड़कम दड़कम दोम दड़ागा लेतर बेहतर, ये ले। माल किधर है भैया? तुमको तो मालूम है क्या हुआ। ए पकड़ इसको, पकड़ तेज चला रे, पकड़। इस बार माफ कर दो ना भैया, प्लीज भैया 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 भैया। कहते हैं हमारे धंधे में कोई नियम नहीं होता, पर दो उसूल जरूर होते हैं। पहला गलती मत करना और दूसरा करने वाले को माफ ना करना। पहला रूल तो तूने तोड़ दिया, पर दूसरा रूल मैं नहीं तोड़ूंगा। जो सजा तुझे मिलेगी वो सबके लिए सबक होगी। खत्म कर दो इसे इसी वक्त। भैया
आज मुझे टपकाने का फैसला कर ही लिया तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है बस एक दम मारना है। ए झिंगुरो, उन्होंने परमिशन दिया है, चलो खोलो। गुरु, उन पापियों ने इसे कुत्ते की तरह मारा और होम डिलीवरी भी कर दिया यहाँ। ए भाई, ए भाई, 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 ए भाई उठो, भाई मैं बॉम्बे में तुम्हारे बिना यहाँ। गांधी, ए, एक अच्छे दोस्त होने के नाते तूने मेरे लिए पैसा छोड़ा, तू एक सच्चा दोस्त है। सभी भाषाओं में श्रद्धांजलि वाले पोस्टर लगवाऊंगा, क्रियाकर्म में धूमधाम से करूंगा, मैं सच्ची दोस्ती निभाऊंगा। क्रियाकर्म का छोड़, पैसों से हाथ हटा। ए, तू अब तक मरा नहीं, मेरे को जिंदा देख के खुश होना चाहिए, चौक का ही कोरा है। ऐसा नहीं है भाई, मुझे लगा तू जिंदा वापस ही नहीं लौट के आएगा। मुझे भी लगा नहीं था तू इतना महान चोर बनेगा, कितनी घटिया एक्टिंग करता है। रहने दे यार, भैया अगर किसी को अपना निशाना बनाता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनाता है, तू कैसे बच गया? माँ कसम, ये फोटो भैया जी के पास है, मतलब कोई तो लोचा है, अभी बाटली में उतारता हूँ। भाई लोग, ये छोकरी का फोटो काहे को रखा है? तू इस लड़की को जानता है क्या? अगर जानता हूँ तो छोड़ देगा क्या? ए, तू जानता है कि नहीं? हाँ जानता हूँ, अब बोल। ए, इसे मारना मत, रुको मैं भैया से बात करके आता हूँ। इसे जानता है? जानता हूँ भैया। झूठ मत बोल। माँ कसम, नाम है गीता, नर्स का काम करती है, साउथ की है ये। साउथ में कहाँ की? नहीं भैया, मैं बोल दूंगा कि ये लड़की किधर की है तो मुझे मार डालोगे, इस लड़की को अगवा करोगे। भरोसा रखो भैया, आपको लड़की चाहिए, मेरे को जिंदगी चाहिए, टाइम दो ना, इसको लेके आता हूँ। एक हफ्ते का टाइम दिया, मुझे ये लड़की चाहिए, अगर इसे लेकर आया तो तुझे जिंदगी तो मिलेगी ही और साथ ही 5,00,000 रुपए भी। जा। भैया लड़की को ढूंढने जाना है, एडवांस मिल जाता तो अच्छा होता है। लड़की जिंदाबाद। हे, क्या रे भाई, तूने बस 5,00,000 का ही सौदा किया है, चल फोन दे अपना। हेलो भैया, दीना बोल रहा हूँ भैया। बोल, क्या हुआ? वो क्या है ना भैया, गुरु ना ये डील करने के लिए बहुत कच्चा है। वो क्या बात है ना भैया, ये मैटर थोड़ा रिस्की है, अगर आप हमें 8,00,000 रुपए देंगे ना भैया तो हम ये काम जल्दी से खत्म कर देंगे, क्या कहते हैं? राउंड फिगर 10,00,000 चलेगा। अब माने भैया, सुपर है, 10,00,000 रुपए में पटाया मैंने। भैया अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करिएगा, उस लड़की को लाना अब से मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है भैया? अगर वो लड़की नहीं आई तो मैं तुम लोगों के कितने टुकड़े करूंगा, मुझे नहीं। भैया ऐसे समय में आप नेगेटिव बातें क्यों कर रहे हैं भैया, आप बस पैसा गिनना शुरू कर दीजिए, मैं लड़की को लेके आया। ओके ओके भैया। ये बताओ लड़की कहाँ है, अभी उस लड़की को दे के पैसा लेकर आता हूँ। कौन सी लड़की रे? गीता बे। जा रे ढीले, वहाँ से सटकने के लिए मैंने ऐसे ही झूठ मूठ बोला था। अबे ये बात तू फोन करने से पहले नहीं बता सकता था? तू जब खुद ही अपना क्रियाकर्म करवा रहा है तो मैं तेरे को काय को रोकूं? मेरा क्रियाकर्म? चुप बेटा, क्रियाकर्म का पानी भी फेंक दिया। सर गवर्नर की बेटी का मैरिज। गिफ्ट। सर आइलैंड परचेज। बाय। सर होम मिनिस्टर मीटिंग। नेक्स्ट मंथ। सर बिहार प्लांट। सीएम। सर बीबीसी इंटरव्यू। लेटर ऑन। सर मिस यूनिवर्स। सर क्या हुआ? हम ढूंढ रहे हैं सर। इतना लेट क्यों हो रहा है? सर बात ऐसी है कि मुझे वजह मत बताओ। गेट हर सून। ओके सर। ओके।
अगर इसको स्कॉर्पियो ने मुंह खोल दिया ना तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। यहाँ से जल्दी से ए, तो किधर जा रहा है तेरे को तो है? ये तो मेरी चड्डी है। ए, चार दिन से मैं पहन रहा हूँ, मेरी है। मेरी चीजें पहन के मेरे जैसा दिमाग खड़ी हो गया। चल शांत हो जा, चल शांत हो जा। मैं नहीं चाहता तेरे साथ रहकर। मैं किसी गांव में जाऊंगा, मेहनत करूंगा, धोखेबाजी करूंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहने वाला मैं। ए, शेर का पायरेटेड थोबड़ा लेके घूम रहा है और डर के भाग रहा है। अरे भैया से डर के शर्म नहीं आती तुझे? तेरे से बात करूंगा ना तो हाफड़ा बेल मेरी छूट जाएगी और मुझे नहाना भी है। चल जाने दे। तो लिया नहीं, टॉयलेट में बैठ के जाएगा क्या? ट्रेन से जा, बैलगाड़ी से जा, क्या फर्क पड़ता है? मैंने तय कर लिया, मैं जाऊंगा। अरे ये सुनना ढीले, देखता हूँ इसने क्या क्या चुराया है। 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के बूढ़े तक सब कुछ उठा लिया इसने, माँ कसम। अब इस ढीले को कौन समझाए कि इससे मुंह नहीं पोछते। ओ तेरी, एक नंबर कैमरा है। बाथरूम में भी कितना टाइम लग जाता है। ये ढीले, ये कैमरा कहाँ से मारा? ये वाली, ये मुझे गिफ्ट मिली है। अबे तेरे को कोई लिफ्ट नहीं देता, गिफ्ट कौन देगा? हा? ये फोटो देख, यही लड़की कैमरा में। हाँ भाई, ये कहाँ चुराया था? Excuse yes. me. What do you want? I am bachelor. Tell me. Can you take a photo with me? Selfie? Come on. No, no. क्या कह रही है? Just of me. क्या यार, फिरंगियों को भी दिलचस्पी नहीं है। दे मुझे। Yep. पहना मुझे। ठीक है। जाकर खड़ी हो जा। Thank you. कितने का होगा? It's okay. Turn. Smile. Ready? One, two. बाहर में जा गोरी। Hey, my camera. Gateway of India. फिर से बोल किधर? चल मैं दिखा देता हूँ। नमस्ते भाई। नमस्ते दीना भाई। दीना भाई को ये सब तेरे को कैसे जानते हैं? भाई इन लोगों ने ही मुझे काम सिखाया है, इसीलिए जानते हैं मुझे। माँ कसम, इधर टूरिस्ट लोग कम और चोर लोग ज्यादा है। क्या हुआ? मेरा पर्स, पर्स। तुम्हारी सेफ्टी के लिए मैंने तुम्हारा पर्स मार लिया था, ये ले। मॉडल नंबर बता। मुझे मॉडल नंबर कैसे पता होगा यार? लोकल लड़की का नंबर चाहिए तो देता हूँ। कैमरा का मॉडल नंबर पूछ रहा हूँ। कैमरा का मॉडल पूछ रहा है? ये कौन सा पुलिस वाला है जो काम कर रहा है यार? नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा मोबाइल खो गया है। यहाँ पर अपनी कंप्लेन लिख दीजिए। हाँ, मैं उसका पता ढूंढता हूँ। तो इसको पता। इसकी शक्ल तो स्पीड ब्रेकर ऐसी लग रही है। सर माय ब्रदर इज मिसिंग सर। फोटो फोटो फोटो। अचानक से मांगेगा तो कहाँ से लाऊंगा? तुझे इस्तेमाल करता हूँ मैं, जब तक काम खत्म नहीं होता। तू ही मेरा भाई है। क्या क्या कर रहे हो? सर्चिंग सर, सर्चिंग सर। दिस गाइस सर मेंटल है सर, बहुत बड़ा रिश्वत खोर है सर। ये ढीले काम हो गया, चल। दिया तूने? इस आदमी को कहीं देखा है? अबे गधे ये तू ही है। अरे इसने तो ऑटो पकड़ लिया। अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। ए भाई, उस फिरंगी को मेरा चेहरा याद रहेगा क्या? ए, तेरा थोबड़ा बहुत गंदा है, भद्दे मेंढक जैसा लगता है, कोई भूल ही नहीं सकता भाई। हाँ ठीक है, तो तू ही संभाल, मैं चलता हूँ। अरे क्या, मैं हूँ ना, डरने का नहीं। इसी बात का तो डर है। ओ। अरे भाई वो देख, फिरंगी मुझे ढूंढते हुए आ रही है। मैं तो अरे मुझे छोड़ दो, कैमरा देता हूँ वापस। अरे भाई कैमरा दे दे इसे वापस, क्यों पिटवा रहा है? अरे अरे मैं छोड़ दीजिए। अरे मैं छोड़ती हूं। तेरे को तो मुझसे डर लगता है ना भाई? अरे भाई मुझसे गलती हो गई, तेरे पास ये हो ना बात। एक्सक्यूज मी, आई हैव योर कैमरा, दिस इज योर कैमरा, रख लो। ओके इंडिया इज वेरी गुड, थैंक्स। दिस गाय इज वेरी बैड। ढीले इंडिया का नाम खराब कर रहा है। इन लोगों ने हमारे देश को लूटा है, मालूम नहीं क्या? ए, ये ब्रिटिशर नहीं, ऑस्ट्रेलियन है। अबे जो भी है, फिरंगी तो है ना ये। ढीले तू चुप हो जा। एक्सक्यूज मी, ऑल वेरी नाइस पिक, दिस वन, वेयर यू टेक दिस पिक्चर? आई थिंक दिस वन वाज तमिलनाडु। वेयर इन तमिलनाडु? मे बी चिचंदूर। ओहो इतनी दूर। ओके नाइस वन, थैंक यू। ये त्रिचंदूर तू कब गई बे?
ए, लड़की कहाँ की है पता चल गया। फिर चेंदूर जाएंगे, लड़की को उठाएंगे, 10 लाख ले आएंगे और मजे करेंगे। इसमें करेक्शन है मेरे भाई। कैसा करेक्शन ढीले? मुझे यहाँ पर बहुत काम है। तू थिरु चेंदूर जाके लड़की को अगवा कर उसे यहाँ पर ला। 10 लाख लेते हैं, शेयर करते हैं, एंजॉय करते हैं। कैसा आइडिया? पैसे के लालची। अबे मैं बॉम्बे में नहीं रहूंगा तो शहर जल जाएगा। भागना पड़ता है, तुम किसी काम की नहीं। अरे बहन, तुम्हारे पास और कोई काम ही नहीं? हाँ? पर सीन सुपर था दीदी। थैंक्स। शुक्रिया। ये कहाँ से लेकर आया तू? दौड़ते हुए उठा लिया था। वेरी गुड। शुक्रिया। हमको नहीं चाहिए। बहुत अच्छे से पीछा किया तुमने, तो ले क्यों नहीं रहे हो? जब आप डायरेक्टर बन जाएंगी तो हमको रजनी और कमल बनाएंगी ना। एक ही रजनी है, एक ही कमल है। हाँ। नहीं तो लंबू या किंग खान बना देना। हाँ। तुम्हारे लिए यही ज्यादा है। दीदी चलो चलते हैं। हाँ आई। लड़की का कोई गुण है क्या तुम में? पूरे गांव वाले तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। फिल्म बनाने के नाम पर लोगों का नुकसान कितना कर रही हो? लोग मुझे भरपाई करने को कह रहे हैं। जब मैं मंदिर गई थी, एक आदमी आया और कह रहा था कि मल्ली से कहकर एक चांस दिला दो। हम कोई सिनेमा कंपनी चला रहे हैं क्या? मैंने कहा था ना इसकी शादी करवा दो तो सब कुछ सही हो जाएगा, पर मेरी सुनता ही कौन है? देखो बेटी, मैंने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की। कॉलेज में पढ़ने को बोली तो वहाँ पढ़ाया, कैमरा मांगी वो खरीद कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें बोलो? तुम्हारे लाड़ प्यार ने ही तो इसको बिगाड़ रखा है। ये लो पकड़ो। पापा, अब तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी। कल मैं पंडित जी से मिलकर तुम्हारी शादी के लिए लड़का तलाशने के लिए बोलूंगा। तुम्हें जो पसंद आएगा उसे शादी करा दूंगा। जल्दी से इसकी शादी करा दूंगा वरना इस सिनेमा के पीछे पागल हो जाएगी। अरे रे रे, मल्ली गायब हो गई। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ, वो कहाँ चली गई? चुप रहो। कहाँ गई वो? तुझे पता है क्या? कहाँ गई वो बोल, कहाँ गई? खाली मुझे नजर रखनी चाहिए। तुम लोग क्या कर रही थी? ध्यान नहीं दे सकती तुम लोग? यहाँ रोने का नाटक मत कर, जा जल्दी से मेरी शर्ट लेकर आ। दामाद जी। सुनो, तुम लड़की देखने जा रहे हो या लड़की ढूंढने? जल्दी करो। अरे स्टेटस बना के रखना चाहिए ना। दामाद जी। ससुर जी। चलो मेरे साथ। अरे ससुर जी लड़के आ गए हैं। ससुर जी आप फिकर मत करो, मैं देख लूंगा। अरे हाँ, मैं देख लूंगा, मल्ली को साथ लेकर आऊंगा। चलो रे पंडर लोग, गाड़ी चालू करो। भाई एक चाय दे यार। लेके जाओ इधर आके सारी सब। मैं इधर आ तो गया, पता नहीं ये लड़की इधर मिलेगी कि नहीं। ये लीजिए भाई साहब, चाय का दुकान पे एक लड़के के पास मल्ली का फोटो। सच कह रहा है? हाँ भाई। छोटे, इस लड़की को देखा है क्या? अरे ये तो मल्ली है, मुखिया जी की बेटी। ओहो, ये बहुत बड़ी डायरेक्टर बनना चाहती है। मुझे भी एक्टिंग का चांस देगी ऐसा बोली थी वो। इस लड़की का घर किधर होएगा? वो क्यों? क्योंकि तू एक्टिंग करेगा तो तेरे थोबड़े के बदले बंदर का पिछवाड़ा दिखेगा। तो मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर सकता? मैं नहीं बताऊंगा, तू जा यहां से। अबे तू गूगल है क्या? तू नहीं बताएगा तो ढूंढ नहीं पाऊंगा क्या? नाम है मल्ली, मुखिया की बेटी है। कौन चाहिए काका? मल्ली कहाँ है? ए तेरे से पूछ रहा हूँ, मल्ली कहाँ है? वहां सामने तो है, जाओ ले लो ना। मुझे चढ़ाएगा तेरी तो। अरे ओ, हंसते हंसते टेस्ट मैच देख रहा है क्या? बिल्ली की मूछ वाला कौन है? बात बात पे हाथ उठा रहा है।
अभी जिसका फोटो देखा है ना, ये उसी के बहन का मर्द है। ओ झमूरे, मेरे पास तो तेरी साली की फोटो है ना, तेरी बीवी की फोटो थोड़ी है जो गुस्सा कर रहा है। ए, तू क्या हे कर रहा है? देना कान के नीचे, फट सच बोलेगा। बेवकूफ, मुझे सच में कोई सच नहीं पता है। ए, मार इसे। बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, जाने दो, जाने दो, मानते नहीं है ये। अंकल वो चला गया। हटे अरे वाह, गाड़ी खुली है। चलो ना, किसका वेट कर रहे हो? तेरा ही वेट कर रहा हूँ। माँ कसम, पूरा शहर इसी का है क्या? मल्लिया सुबह की बस पकड़ के चेन्नई चली गई। इसे अपने गोडाउन में डाल दे, मल्ली को लाते हैं फिर इसे धोते हैं। चलो रे, गाड़ी चालू करो। ये वही मल्ली है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। वही है, वो लड़की चेन्नई चली गई। चली गई तो मैं यहाँ क्या भजिए चलू। रुक रुक रुक, गाड़ी रुक, साइड में लगा। चलो आ जाओ बस में, देखो देखो देखो, ठीक से देखो बस में। किधर देखो, ध्यान से देखो। क्या हुआ रे भाई? मल्ली बस में नहीं है। ये लड़की इस बस में आई थी ना? ये आई थी लेकिन शूटिंग देखने रास्ते में उतर गई थी, पीछे देखिए। चलो काय को चल रहे हैं? फिल्म की शूटिंग चल रही है। शूटिंग देखने इतनी भीड़ जमा हो गई, यही भीड़ थिएटर में पिक्चर देखने जाएंगी तो सारी पिक्चर सुपर हिट। ये मुच्छड़, इस लड़की को देखा है क्या? अरे भाई जाना यहाँ से, शूटिंग देखने दे। आधे टकले, फोटो में जो लड़की है उसको देखा है क्या? मैं हीरोइन का यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, उसके साथ टिकटॉक बनाऊंगा। मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे बुढ़ाओ, दो दिन में तेरे को चार कंधों की जरूरत पड़ेगी और तेरे को टिकटॉक की पड़ेगी। अभी अपने को ए सीन शूट करनी है जिसमें लड़की की सगाई हो चुकी है, मतलब हीरोइन की सगाई हो चुकी है। अपने प्यार का इजहार करने आ रहा है हीरो, कैसा लगा? सुपर सीन सर, एकदम फ्रेश। तेरी नौकरी तो पक्की है। सर, सर यही सीन गोलमाल में अमोल पालेकर ने किया था और यही सीन अजय देवगन ने भी किया था। ऐसा ही रितेश देशमुख ने मराठी फिल्म में किया था। आपकी फिल्म में यही सीन दो बार हो चुका है सर। तुम फिल्म का रिव्यू रिलीज के बाद देती थी, अब शूटिंग स्पॉट पर भी आ गई। असिस्टेंट डायरेक्टर। यस सर। इसे ले जाओ। क्या किया सर? इधर आओ, इसे ले जाओ पकड़ के। मैंने क्या किया? सिखा रही है, इतनी सुपर हिट फिल्म में दे चुका हूं, सिखाएगी। ठीक है, जा रही हूं खुद मैं। ए, 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 लड़की सुन। ए, भाई, ए, ए, क्या, क्या? अरे मैं उस लड़की को जानता हूँ। शूटिंग चल रही अंदर। अरे नहीं 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 हो पाएगा, आप जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए जाइए। माँ कसम, इधर ही तो थी, कहाँ चली गई? ये रात को कौन लुका छिपी खेल रहा है? अरे सुनिए, अंधेरे में काला सांप काटेगा। ये कहाँ से आ गया? अरे इधर से भी, अंदर ही चला जाता हूँ।
ए भाई सुन, इस लड़की को देखा है क्या? अरे और कितने लोग मुझसे पूछेंगे इस लड़की को देखा है क्या? ये हम बस से अभी आए, इससे पहले कौन पूछा? पता है एक रंग बिरंगी शर्ट पहने हुए कोई लड़का काहे को मेरा भेजा खाता है भाई? भाई हाँ कौन था? पकड़े रहो, छोड़ना मत, अभी आता हूँ मैं। सर आपने जैसा कहा था रोमांटिक सीन के एंड में मैंने एक लिप लॉक शॉट रखा है, हैप्पी ना? ओ ऐसे ही तू डायरेक्टर बना है? आवाज कैसे बदल गई? जरा पलटना। ए कौन है तू? हीरो के कपड़े क्यों पहन लिया? हीरो का डुप्लीकेट हूं। क्या कहा? रोमांटिक सीन के लिए डुप्लीकेट? तू मुझे क्या समझ रखा है? भंगार बाटली वाले लग रहे हैं सर। मैं डायरेक्टर हूँ। स्टीवन स्पीलबर्ग है क्या? टोपी के बिना डायरेक्ट करके दिखा। कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद सर हीरो का शर्ट किसी और ने कैसे पहन रखा है? तुमने हीरो को कौन सा शर्ट दिया है? बता बताओ मल्ली किधर है? ए बस करो बस करो। ए कहाँ है मल्ली? तू कौन है रे? मैं तो फिल्म का हीरो। हीरो है या जीरो है, जब तक मल्ली नहीं मिल जाती बंद कर दो शूटिंग। कोरियोग्राफर डांस टीम रेडी है ना? स्पॉट बॉय कहाँ पे है? दो लाइट यहाँ पे नहीं है, जल्दी करो, कैमरा रेडी है। पहले मिलूंगा। क्या मस्त माल है। देख लो कि तुम सबको। मैं तेरे को बचाने आया हूँ, बचाने। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ पर बोल नहीं पा रही हूँ। वो क्या है कि ऐसा फिल्मों में ही होता है कि करेक्ट टाइम पर हीरो आ जाता है। मेरे को बता तू इन लोगों के बीच में आके कैसे फंस गई? वो मैं अपने मामा के घर जा रही थी तब भी। तू अकेली जा रही है क्या? मैं हमेशा अकेले ही जाती हूँ। मेरा बैग, सॉरी मुझे जाना होगा। ठीक है ठीक है। अरे रुक जा। क्या हुआ, कौन आ रहा है? तुमने मेरी बहुत मदद की। हाँ। एक और मदद करोगे? तेरे मामा के लिए बुड्ढों वाला डायपर लाना है क्या? वो सब नहीं, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। वो आदमी जो गाड़ी पर बैठा है गिल्ली प्रकाश राज है, वो मेरा जीजा है। अगर ये पकड़े तो जिंदगी खराब कर देंगे, हेल्प करो ना प्लीज। वैसे भी मैं किलो के हिसाब से सबकी हेल्प करता हूँ, तू गिड़गिड़ा रही है तो ओके। उस तरफ मत जाओ तुम, तू बस यहीं खड़ी रहे, बस भी यहाँ खड़ी हो जाएगी। बस यहाँ कैसे आएगी? वो मुझ पे छोड़ना, ला बैग ला। आ जा छोकरी। मेरा नाम मल्ली है, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम गुरु है, मुंबई में रहता हूँ, इधर एक छोटे से काम से आया हूँ। क्यों रॉबर्ट, सो रहा है क्या? हाँ सर। दिस इज अनबिलीवेबल, यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सो स्ट्रेस्ड। और तू वहाँ आराम से सो रहा है? सर ऐसा नहीं है सर। क्या नहीं? सर हम ढूंढ रहे हैं। तू समझ क्यों नहीं रहा है, मुझे वो चाहिए, मैं उसे आंखों के सामने देखने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं उसे ढूंढ लूंगा सर। मैंने कितना पैसा कहा था? 5 करोड़ रुपए सर। बेवकूफ, उल्लू के पट्टे, डबल इट मैन। ओके सर, ओके ओके ओके। बेटा गुरु इसको मुंबई कैसे ले जाएगा? ना ना ये तो शक्ति कपूर स्टाइल है। छी, कैसे चिरकुट आइडिया आ रहे हैं, लगता है दिमाग सैनिटाइज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी डायरेक्टर बनना चाहती है। चचा एक चाय और दो। भैया और डालो। और कितना? इडली को डुबाकर मारना चाहती है क्या?
छोकरी चेन्नई जाके क्या करेगी, कुछ सोचा है? मैं सन पिक्चर्स के हेड कला निधि मारन को अपनी कहानी सुनाऊंगी, अजीत विजय आलू अर्जुन को लेकर एक फिल्म बनाऊंगी और बड़ी डायरेक्टर बन जाऊंगी। ए छोकरी, तो क्या बड़े बड़े डायरेक्टर्स वापस गांव चले जाएंगे? अरे 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उन लोगों का, बड़े एक्टर के साथ तो चांस ही नहीं है। ऐसा क्या? और जैसे ही तू चेन्नई पहुंचेगी, तेरे मामा तेरे को घर में बंद कर देंगे, तो पिक्चर कैसे बनाएगी तू? वो भी है, अरे रे रे, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। हाँ वही तो, तू तो यही सोच रही है कि कैंटीन से इसके बाद कौन सा आइटम मंगवाना है। बोले तो मेरे पास एक कड़क आइडिया है। जाने दे। बताओ ना मुझे। तू ऐसा कर, जाने दे। प्लीज बताओ ना मुझे। तू पहले हिंदी में पिक्चर का को नहीं बनाती? बना सकती हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे तू तो बहुत भोली है। अरे साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स बॉलीवुड के हीरो को लेकर पिक्चर बनाते हैं। शाहरुख के लिए स्टोरी है क्या? शाहरुख खान? अजीत और विजय की कहानी उस पर जचेगी नहीं। सूर्या के लिए एक कहानी है, वो सही होगा। हाँ, पर तुम पूछ क्यों रहे हो? वो क्या है कि शाहरुख का मैनेजर मेरा अच्छा दोस्त है, और शाहरुख लेडी डायरेक्टर को सपोर्ट भी करता है। फारा के साथ 3 पिक्चर बनाई और तीनों सुपर हिट। तू भी तो लेडी डायरेक्टर है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा उधर पिक्चर बना तू। डायरेक्टर बनना मेरा सपना है, बॉलीवुड में बनूं या टॉलीवुड में क्या फर्क पड़ता है, ऊपर वाले ने अच्छा रास्ता दिखाया है, इसे खोना मत मल्ली। शाहरुख एक्टर, शाहरुख प्रोड्यूसर, और मल्ली नई डायरेक्टर, सुनने में अच्छा लगता है ना? सिनेमा तो अब बना कर रहूंगी। सही है, चलो करते हैं। बोले तो झकास। छोटू बिल दे। रख ले, चड्डी खरीद लेना। चले क्या? नहीं, मैं मुंबई नहीं जाऊंगी। काय को? एक अजनबी के साथ मैं कैसे जा सकती हूँ? भलाई करनी नहीं चाहिए गुरु, अजनबी तुझे बचा सकता है, सारी रात भटक भी सकता है, नाश्ता ठूस सकता है। ये तो तेरे अंदर की आग देखकर लगा कि तेरी हेल्प करनी चाहिए, पर तूने तो बेइज्जती कर डाला। सही है, जा, नजरों से दूर हो जा, चड्डी वाले पैसे वापस दे। अजीब लड़का है। अरे सुनो, टैक्सी, टैक्सी, सुनो, टैक्सी, एक मिनट, चल टैक्सी निकाल। रुक जाओ यहीं, गुस्सा मत करो, तुम्हें पहली बार देखा तभी लगा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा, मैं एक जवान लड़की हूँ, तुम भी जवान लड़के हो, तुम्हारे साथ अकेले कैसे आ जाऊँ? ये छोकरी, हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को तेरे साथ नहीं आना है। ऐसे बोल रही है जैसे तेरे को मुंबई ले जाने के मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तेरे को फंसा के मैं तो जैसे करोड़पति बन जाऊंगा ना। हाँ, मेरे माथे पर लिखा है ना। ये चल चल। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये सब मतलब नहीं था, सॉरी, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, मुझे भी ले चलो प्लीज। चलो प्लेन उड़ाओ। तुम शाहरुख खान से सच में मिले हो? तो ये क्या पूछ रही है? अरे हम दोनों लंगोट के हैं, रमजान पर बुलाया था उसने मेरे को बिरयानी खाने के लिए, और मैंने बोला शनिवार को मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, सुन के वो गुस्सा हो गया। तुम्हारी बातों से लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। क्या झूठ बोला? कौन सा झूठ? अगर तुम क्लोज फ्रेंड होते तो बिरयानी खिलाए बिना तुम्हें कैसे भेज सकता है? लो बोलो, तलवार जैसा दिमाग है तेरा, मैं तेरे सामने एक छुटका सा झूठ भी नहीं बोल सकता। बोले तो मल्ली महान है, एक्चुअली उसके घर से मैं बिरयानी खा के ही लौटा था। मैंने झूठ पकड़ लिया। हाँ, वो क्या नाम है उसका, जीरो का डायरेक्टर भी आया था कोई कहानी सुनाने के लिए, शाहरुख बोला भाई तू सुन ले, कहानी सुनी मेरे को अच्छी लगी, मैंने बोला पिक्चर कर ले, और वो सुपर डुपर हिट हो गई। उसके बाद वो बोलते रहता है इसकी कहानी सुन ले, उसकी कहानी सुन ले, दिमाग का भाजी पाला कर दिया है। ऐसा क्या? मेरी कहानी सुनकर बताओगे हिट है या फ्लॉप है? सुनो,
डेढ़ सौ साल पुराना इडली सांभर खाया है, गला खराब हो गया ना। शाहरुख खान को दिमाग में रखो। ओपनिंग शॉट, थिरुचेंदूर, त्योहार का माहौल, हजारों लोग खुशी से नाच गा रहे हैं, और भीड़ के बीच से अचानक से एक आदमी अपीयर होता है, पीली शर्ट और पीली पैंट में, जय बजरंगबली बोलते हुए जंप करता है। बोलो कौन? कौन? शाहरुख खान। शाहरुख की एंट्री, पीली शर्ट और पीले पैंट में शाहरुख की एंट्री, ओपनिंग सीन और फिर ओपनिंग सॉन्ग। ओपनिंग सॉन्ग खत्म होते ही फाइट, एक आदमी शाहरुख खान का हाथ पकड़कर मरोड़ता है, मरोड़ता है, मरोड़ देता है, बिल्कुल ऐसे ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, और उसे देखकर शाहरुख खान का पंच डायलॉग, कौन सा? मैं कोई गन्ना नहीं हूँ जो तू मुझे ऐसे तोड़ मरोड़ के मेरा जूस निकाल रहा है। घर पर जाके ठंडा तेल रखना पड़ेगा साथ में। फर्स्ट हाफ कैसा था? टायर ही पंचर हो गया। क्या बढ़िया, बोले तो एकदम फुल पावर। हाँ, मैंने तुम्हें इंटरवल सीन बताया था ना, फील हुआ ना? मेरे को नहीं हुआ, ड्राइवर को जोर से फील हुआ। क्या कहा? फील नहीं हुआ। खुशी फिल्म में तो बिल्कुल ऐसा ही सीन था, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो सेकंड हाफ भी समझ में नहीं आएगा। वही तो, वरना ऑस्कर के बदले भास्कर तो मिलेगा। यहाँ आओ तो। क्या काम है? आओ, कहा ना। बस आगे कहानी नहीं सुनूंगा, सर फट रहा है, चाय पीनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है, ये सीन सुनो अब। तुम्हारा सर दर्द चला जाएगा, तुम फिल्म के हीरो हो। क्या बोला? मैं हीरो हूँ? और मैं हूँ हीरोइन। ओ, इसलिए तू मेरे को हीरो बना रही है ना। अपना हाथ मेरे कमर पर रखो। अरे रहने दे, जलती हुई आग में हाथ डाल दूंगा, लेकिन लड़की की कमर पे नहीं, दिमाग खराब थोड़ी है मेरा। डरो मत, डरो मत, सिर्फ एक्टिंग करनी है। रखो। कमर पर नहीं, कमर के नीचे, कमर के नजदीक। सॉरी, वो एक्टिंग असली लगनी चाहिए ना, इसलिए थोड़ा वो। अभी हीरोइन हीरो के पास आती है और उसके गले लग जाती है। क्यों, फील हुआ ना अभी? हुआ, जोर से हुआ। यही तो मैंने कहा था, फील कर सकते हो। ऐसा अगर कोई सीन हो तो मैं ही करूंगा। डार्लिंग, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? हैं? गुस्सा हो क्या मुझसे? तुम बिल्कुल भी फिकर नॉट करना, हम दोनों ना मिलकर तुम्हारे पति का सिर फोड़ के इंडियन आइडल में जाके गाना गाएंगे, उसके बाद ना हम दोनों जर्मनी जाकर सेटल हो जाएंगे, क्या कहती हो? है? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना, आइडिया अच्छा है ना? है? बोलना बोलना। अरे है? हे, कौन इस वक्त मेरे रोमांस में खखल डाल रहा है? हा? अहे? मैं अभी आता हूँ डार्लिंग। हा? तुम तब तक यहाँ पे आराम से लेटता, ठीक है? आ रहा हूँ। हे दीना, दरवाजा खोल। अरे बाप रे भैया, अब क्या करूं? अरे बाप रे, ये यहाँ कैसे टपक पड़े? ये किस तरह की रिंगटोन है? दोस्त है, तू उसको मिलेगी तो केले खिलाएगी, बंदर जैसा है ना। एक मिनट। हाँ हेलो भाई, भैया गुंडों के साथ घर पर आया हुआ है। हेलो, अबे भैया गुंडों के साथ घर पर आया हुआ है। हेलो, हे, हेलो, क्या कर रहा? सुन नहीं रहा क्या? सुन नहीं पा रहा है, ये सुनाई दिया। अबे तुझे बेकार की बातें सुनाई दे रही है। अबे भैया गुंडों के साथ घर पर आया हुआ है। अरे इधर गाड़ियों का ट्रैफिक है रे। हे, यहाँ जिंदगी खतरे में है और तुझे गाड़ियाँ इंपॉर्टेंट लग रही है, तू मुझे सुन पा रहा है कि नहीं? हेलो, बाहर निकल के बात करना है। अच्छा अच्छा, बाहर आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ।
हेलो हेलो, सिग्नल कहाँ चला गया? हेलो, अब आवाज सुनाई दे रही है क्या? मैं अरे भाई, तुझे पता है वो भैया? मुझे नहीं पहचानता। मैंने भी तो वही कहा। भरो इसे। अरे भैया भैया, अरे एक्शन पिक्चर देख के बात कर रहा है क्या? मार खाने की आवाज आ रही है। जब बात कर रहा था तो सुनाई नहीं दे रहा था, अब मेरी पुट्टी की आवाज आ रही है। भैया भैया, हेलो हेलो, भैया दुख रहा है। अगर वो लड़की नहीं लाया तो मैं तेरे टुकड़े करके उसे पार्सल कर दूंगा। आप मुझे इसीलिए मार रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं वो कहाँ है। आप उसको पार्सल कैसे करोगे? अरे बाप रे, हम पकड़े जाएंगे। भैया भैया, वो मल्ली जीजा ने मुझे देख लिया। वो देखो, पकड़ो, रुक, पकड़ो, इधर जाओ, इधर जाओ। किस्मत अच्छी है कि मैं तुम्हारे साथ आ गई, नहीं तो जीजा ने मुझे कब का पकड़ लिया होता। क्या हुआ? कोई वहाँ पर छुपा होगा। कोई नहीं है, आजा, टाइम बहुत कम है, आना। कोई नहीं है ना? आजा। राइट ले ना, मार डालूंगा। उधर उधर ऊपर, किधर है? कौन है रे तू? वो लड़की कहाँ है? बता, लड़की कहाँ है? कौन सी लड़की? इतना कूदा तू, हमरी लंका में कूदा? जीजा किसी काम का नहीं, पर उनका तो तगड़ा नेटवर्क है। चल, ट्रेन का भी टाइम हो गया, बाकी बातें बाद में करते हैं। समोसा खाओ, समोसा। आप प्लीज उठ जाइए।
ऊपर वाले, मुंबई जाकर किसी भी तरह शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाकर मुझे डायरेक्टर बना दो, प्लीज मुझे बचा लो। रिंगटोन बजी, ऊपर वाले का सिग्नल मिल गया, मेरी इच्छा पूरी होगी। हेलो, कहाँ है तू? जब भी लगाओ नॉट रिचेबल मिलता है, मुझे धोखा देना चाहता है कमीना। भैया भैया पहले मेरी बात तो सुनो। बोल। लड़की मेरे साथ है। अच्छा, कहा था ना मैंने, गुरु काम जरूर करेगा। तो उसे लेकर कब आ रहा है? मैं कल सुबह 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। नहीं आया तो? 7 नहीं तो 8 बजे, ट्रेन मैं खुद थोड़ी चला रहा हूँ, जब ट्रेन आएगी तभी तो मैं आऊंगा। सही कहा, संभल के आना और सुन, लड़की को सेफ रखना, समझा? अरे टेंशन मत लो, इस हाथ से रोकड़ा दो, उस हाथ से लड़की लो। है? चलो सो जाओ। आपके अमेरिका से लौटने से पहले मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा सर, आप बेफिक्र होकर जाइए सर, मुझ पे भरोसा रखिए, हमने जाल बिछा दिया है सर, हैप्पी जर्नी सर। बोल मत, करके दिखा। सॉरी सर। उसे देखा क्या? अब तक वो 4 बार इधर से उधर जा चुका है। 36 दिन पहले का समोसा खाया होगा ना, इसलिए पेट खराब हो गया है। अरे वो नहीं, तो वो बस मुझे देखने के लिए इधर से उधर चक्कर मार रहा है। आजकल लड़कों के पास लड़कियों को टिकटॉक पे देखने का टाइम नहीं है, तो क्या वो तेरे को देखने के लिए ट्रेन में झाड़ी मारेगा? तुम्हें विश्वास नहीं है ना, थोड़ा सर उठा कर देखो। ऊपर नहीं बैठ सकता क्योंकि तेरे को कमर में दुख रहा है, तूने यही बोला ना, और ये भी बोला कि माथा दुख रहा है। दवा लेने के बाद सो जाऊंगा। गोली कहाँ है? ये रही दवा। ले गोली फेंक दी, अब सो जा। चार्ट में देखा है ना, इस डिब्बे में टोटल 72 लोग हैं, उनमें से 7 तो लेडीज है और 5 है सीनियर सिटीजन, एक छोटी लड़की है और एक है तू। इतने आदमियों के बीच में कोई तेरे को देखेगा तो उसे सुंदरता नहीं बोलते, औरतों के झुंड में कोई देखता है उसको सुंदरता बोलते हैं, समझी क्या? सुपर बस, सुपर बस, मुंह बंद कर, तेरे मुंह से बदबू आती है। पंच, मैं इसे अपनी फिल्म में डालूंगी। उठा ले, तुम कुछ भी कहो, मैं सुंदरी हूँ। कॉलेज में कितने लड़कों ने मुझे प्रपोज किया था पता भी है? तू बोलती रहना, ऐसे ही झूठे किस्से सुनाती रहे, मुझे नींद आ जाएगी। ए, जूता चुरा रहा है क्या? सर पैर हटाइए। इधर जूता बहुत गंदा हो गया यार, ये ले पहन ले। हाँ भाई, ट्रेन 1 घंटे में स्टेशन पर पहुंचने वाली है। जब वो बोला करती थी कि उसे फिल्म बनाना है, मुझे पता था कि वो एक दिन हम सबको धोखा देगी और भाग जाएगी। दादी अपना मुंह बंद करेंगे आप, दीदी के बारे में कुछ भी बोलती रहती हैं। इसीलिए मैंने कहा था पुलिस को बता देते हैं। हमेशा रोती ही रहती है, कहाँ जाएगी वो, आ जाएगी। जब मल्ली थी तो घर कितना खिलखिलाता था, पर अब सूना हो गया। मेरी बेटी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, अभी वो कहाँ होगी, कैसे होगी? हाय ट्रेन रोक देना। तू क्या पागल है क्या, इसे क्या साइकिल समझ रहा है, एक गवर्नमेंट की ट्रेन है, जा भाग यहाँ से। मुंह उठाकर आ गया ट्रेन को रोकने के लिए, गधा कहीं का। कौन है तू?
एक सिगरेट है। मैंने फूंक कर फेंक दिया, जा सूंघ ले। हमें पुलिस को फोन करना चाहिए, लड़की को उठा के ले गए। मैं फूंकने गया उतने टाइम में इधर कोई मर गया क्या? ये टकला तो अभी तक जिंदा है, तो कौन मर गया? ये क्या हुआ? पता नहीं कौन था, हप्शी जैसे बाल वाला, मेरे कान के नीचे स्तन से बजाया और लड़की को ले गया। सर ट्रेन से लड़की को उठा ले गए, आपने देखा क्या? तुम तमिल हो क्या? हलाईवा कैसा है? सब सही है, आप टेंशन मत लो, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। लड़की को गुंडे लोग किधर उठा गए ये बोलिए ना। गाड़ी में नकली कुत्ता मुंडी हिलाता है, ऐसे मुंडी का ही को हिला रहा। बहुत मुश्किल है भाई, मुंडी हिलाना मुश्किल है? नहीं भाई, उस लड़की को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तुम लौट जाओ। क्यों, ऐसा काय को बोल रहे हो? उसको मथुरा पल्ले के गुंडे उठा कर ले गए हैं। अरे कौवे खाना थोड़ी उठा गए, गुंडे लड़की उठा गए। उन लोगों को साधारण मत समझना, बचपन से गुंडा बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे क्या? तुम बहुत बड़बड़ कर रहे हो, यहाँ से 3 किलोमीटर आगे जाओ, वहाँ एक गांव मिलेगा, वहीं पर पूछ लेना। पहले ही बोलना चाहिए था ना, टकु मुंडू टाउन टाउन। बड़े भाई, इधर किसी को लड़की को ले जाते हुए देखा क्या आसपास कहीं? क्या बोला? बहरा है क्या? अरे छोकरी, अगल लड़की, लड़की। हाँ लड़की क्या? हाँ मेरे साथ आइए, सुपर स्लिम है, भरी हुई है, जैसा वैरायटी चाहिए वैसा है। अरे नहीं नहीं, अरे वो बेकार है, आओ ना मेरे साथ, मैं देता हूँ। अच्छा, ऐसे तो मस्त डिस्काउंट है सर। अरे इसकी वाली लिप किस नहीं देगी, मेरी वाली सब नहीं देगी। वहाँ पे हाफ एन आवर, हमारे यहाँ 1 आवर एक्स्ट्रा टाइम सर। इसके हम मसाज नहीं करेगी, मेरी वाली रगड़ेगी चूमेगी मसाज देगी। भाई छोड़ना। अरे घटिया लोग, क्या आपने घटिया धंधे की मार्केटिंग कर रहे हो? मैं उस काम के लिए नहीं आया हूँ, मैं इनको कैसे समझाऊं? मल्ली 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 तमिल। हाँ पैसे दो और अंदर आओ। वो काम नहीं है। अंदर आओ, लगता नहीं कि तुम इस चीज के लिए यहाँ आयो। यहाँ क्यों आए हो बताओ? मेरी दोस्त को अगवा कर लिया है कुछ गुंडों ने। एक मिनट, हाँ ये है उसकी फोटो, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ, कहीं देखा है क्या? ये गुंडे तो किसी भी लड़की को नहीं छोड़ते, ये तो बहुत ही सुंदर है, ये जरूर नरसिम्हा रेड्डी का काम होगा। हाँ ये लड़की बहुत खुश नसीब होगी जो तुम इसे ढूंढने आए हो, पर मेरे लिए ठीक है, जाने दो, कोई कुछ भी नहीं पूछेगा अगर इस फोटो को दिखाओगे, ठीक है? चलो। ए रुक तो, इनके लिए एक लड़की काफी नहीं है, इन्हें और लड़कियां चाहिए, नरसिम्हा रेड्डी के पास ले जाओ। पहले ही बोल सकता था ना। हाँ, बैठ। हाँ हाँ रेड्डी। रॉबर्ट जी, वो लड़की मिल गई है। अच्छा सुपर सुपर। पहले उसकी फोटो भेजो, फोटो। फोटो क्यों, सेल्फी वीडियो भेजूंगा। यही घर है, जाके आप पर आओगे पूछ। हाँ ठीक है। अप्पा राव। हाँ बोलो। नमस्ते। किधर से आए हो? चेन्नई। चेन्नई क्या, किसने भेजा उसने है? भेजा उसने वो क्या, मार्टिन ने या फारूक ने? फारूक ने। फारूक ने, चलो अंदर आ जाओ। चलो, कोई रोने की जरूरत नहीं है। छोड़ो। चल बहुत रो लिया, चल आओ। आओ देखो ठीक है ना? नहीं नहीं रानी, भैया नहीं, नहीं बाहर आओ। ऊपर वाले पसंद नहीं आई क्या? इसको संभालो। ऊपर वाले बचा ले मुझे। ए, रो क्यों रही है, क्या हुआ? तेरी वीडियो बनानी है, मुस्कुरा जरा, इधर छमिया इधर। ए मुस्कुराना। अरे इधर आओ। चाटी कहाँ है? कोई दरवाजा खोलो। इधर आ। मल्ली गुरु, ओ श्श,
अरे तुम रो क्यों रही हो मल्ली? मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ, हम यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है? चुप हो जाओ, देखो मेरी बात सुनो। कौन है चिकना भाई? यही इसके साथ ट्रेन में आया था। रेडी जी नमस्ते। एक्चुअली एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ये तो मेरी वाइफ है। सब कान में छेद करा, मैंने नाक में कराया, मेरे साथ पंगा, मारो इसे। चलो तुम सब भागो यहाँ से, जाओ भागो भागो, निकलो। चलो भाग रही यहाँ से, चलो 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 जल्दी करो। आओ रे, रुको इन्हें, लड़कियाँ भाग रही हैं सब। चलो मार दूंगा तुझे। एक मिनट, चालू हो जा। छोड़ूंगा नहीं। इसने अपनी नाक पे ताला मारा था। अब काय को रो रही है? वैसी जगह पर मुझे सोच कर ही डर लग रहा है। मुझे जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। नीचे उतर, जा जा घर, जा घर, वाले सब बोलेंगे तू घर से भाग गई थी। अगर जीत कर घर जाएगी ना तो सभी सर उठाकर जश्न मनाएंगे। अभी भी जाना है तो जा, बाद में क्या फील होगा पता है? कि मां कसम मैं मंजिल तक पहुंच गई थी लेकिन मैंने हार मान ली। तेरा सपना नया था, तेरा सपना महान था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरी मदद कर दूं। टाइम खोटी किया, ठीक है तो चल निकलते, टेक केयर। ये रिएक्शन काय को नहीं दे रही है? अगर तू डर गई है तो तू पुराने जमाने की है, अगर जमाना तेर से डरेगा तो तू आज की लड़की है, पिक्चर में देखा है कि नहीं? बस लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ऑटोग्राफ देने के लिए हाथ बने हैं, बर्तन घिसने के लिए नहीं। बस मेरा कहने का मन किया तो बोल दिया। अरे यार इसको क्या है, ये देख शाहरुख का मैनेजर। हेलो। हाँ। भैया एक छोटकू सा प्रॉब्लम हो गया है, अब मैं ट्रेन से नहीं रोड से आ रहा हूँ। झूठ मत बोल, अंजाम तुझे पता है, तू जिंदा नहीं बचेगा। भैया भरोसा करो ना,
उससे बात करनी है तो कर लो, लेकिन उसको वही बोलना जो मैं बोलता हूँ, ठीक है? ये ले, तेरे दिल में जो है बोल डाल। गुरु ने मुझे सब बताया। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, बोल। तुम? मैं आ रही हूँ सर। अच्छा है। वो, वो, यो। क्या हुआ? मुकेम्बो खुश हुआ। हम जीप से जा सकते थे ना, इन बकरियों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वो गाड़ी में हम लोग पकड़े जाते, इसलिए हमको गाड़ी बदलनी पड़ी। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं अपने गांव में गाय भैंस के साथ पली बड़ी हूँ, दिक्कत तो तुम्हें हो रही है। कैसी दिक्कत है? मेरे को तो मजा आ रहा है, आई लव गोट्स, मेरे को जानवर पसंद है। अरे माँ कसम हल्का हो गया, लगता है इसने कल रात को राजमा खाया था, मेरा नया जूता गया काम से। अरे ये जीन्स पैंट भी। अरे रे। ये हटना भाई। मुंबई में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? क्या है कि पिछले हफ्ते एक बड़े प्रोड्यूसर की बेटी ने मेरे को प्रपोज किया था। तो तुमने क्या कहा? मैंने बोला कि पहले तेरी बड़ी बहन है ना, उसकी शादी होने दे, बाद में तेरी देखते हैं। ओह क्या हुआ, मैं जो भी फेंकता हूँ तू मान लेती है क्या? या फिर मान लिया ऐसा दिखाने की एक्टिंग करती है? मेरे जैसे जोकर से कौन लड़की प्यार करेगी? क्यों, लव का लुक से कोई मतलब नहीं होता, लव तो हो जाता है। ओह ऐसा क्या? लव तो बारिश की तरह होता है, ऊपर देखेंगे तो भी पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है। पानी की बूंद जब हम पर गिरती है तभी हमें पता चलता है कि बारिश हो रही है। प्यार भी कुछ ऐसा ही होता है, हमें महसूस ही तब होता है जब हमें हो जाता है। मुझे ये सब नहीं पता, जब भी बारिश होती है तो मैं दो बाटली मार लेता हूँ। बोलो भैया, कहाँ है तू? मैं बस एक घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, स्टेशन पर आ जाओ। हाँ ठीक है। चांद की रोशनी, ठंडी ठंडी हवाएं, ऐसी सुनसान जगह, तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब कब दिखाई देता है? ऐसे टाइम पे पक्का गली के कुत्ते भौंकेंगे। देखा, भौंकना शुरू हो गया ना। हेलो, बोलना। ए भाई, वो लड़की कहाँ पे? मेरे साथ है रे, बस 10 मिनट के बाद मेरे को मिलेगा 10 लाख। रॉबर्ट, वो आ गई, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके ओके। अरे मेरे चिरकुट भाई, उसकी कीमत 10 लाख नहीं है, 10 करोड़ है। भैया ने ना हम लोगों को बैठा के मामू बनाया है। ए, जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई? अब क्या करना है बोलना। मैं देख लूंगा, तू फोन रख। देख मल्ली,
मल्ली भाग। ए, रुक, भागता किधर है? रुक, ए, रुक, रुक, ए, रुक रे। ए, रुक। हे 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 मल्ली 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 मल्ली। क्या? क्या मुर्गी की तरह इधर उधर भाग रही है? ये तेरा गांव थोड़ी है, मुंबई है। मेरे को मालूम है कौन सी गली किधर निकलती है। चल चल चल, आजा आजा। ए, पकड़ इसको, तेज भाग रहे। माँ कसम, जब भी भागा दौड़ी होता है मैं डेड एंड में फंस जाता हूँ। मैं हफ्ते पहले ही आया था, इधर कुछ नहीं था, अचानक ये दीवार किधर से आ गई। एक हफ्ते में दीवार बनी और उस पर पौधे भी आ गए। अब ठीक है ना, एक बिल्ली भी फिसल सकती है। ये कहावत तो हाथी के लिए होती है ना? एक दूंगा ना हाथी। अरे ये आ गए। गुरु, ए, जल्दी, तू साड़ी पहन के दीवार पर कैसे चढ़ी? नीचे उतार कर उसे। ये 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 ये। उनको मजाक मत उड़ाओ, भागो। वैसे वो हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या तुमने उनका उधार लेकर लौटाया नहीं? वो मेरा पीछा नहीं कर रहे थे, तेरे पीछे पड़े हैं। मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वो कौन थे? मैंने क्या किया है? जीजा की तो मुंबई में इतनी पहचान नहीं है, तो थे कौन जो मेरा पीछा कर रहे थे? तो शाहरुख को कहानी सुनाना है, ये सलमान को अच्छा नहीं लगा है इसलिए वो तेरे को किडनैप करेगा। अरे बच्चा भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, इसको क्या बोलूं? माँ कसम, ऐसा हो सकता है क्या? शाहरुख खान को मैं कहानी सुनाने आई हूँ, शायद किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को ये बात पसंद ना आई हो। माँ कसम, हम दोनों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा ही चल रहा है। मैं बस वो बोलने ही वाला था, मेरे होठों पे वो फुदक ही रहा था कि तूने बोल दिया। हाँ हाँ, इसको बोलते हैं डायरेक्टर, एक सुपर ही डायरेक्टर ऐसा ही होता है। हाँ तो गुंडे लोग आ जाएंगे, चल निकलते हैं। गुरु तुम चिंता मत करो, थिरुचेंदूर में सुनामी में आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं थिरुचेंदूर की हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बारे में मेरे गाँव में जाकर पूछ लेना। अरे रे, लेट हो गया है, लास्ट बस चली गई होगी, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब पूछूंगा। ठीक है, चल चल चलते हैं। जा तू अंदर बैठ, मैं अभी आता हूँ। हेलो, लड़की कहाँ है? लालची लालची कंजूस, तेरे पास मैं 10 करोड़ की लड़की लेके आऊंगा और तू मेरे को 10 लाख देगा, झिंगुर समझा क्या? ए, जानता है किससे बात कर रहा है? हेलो हेलो, कौन है, कौन बोल रहा है? रे hey, मैं भैया बोल रहा हूँ। मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना। मजाक मत उड़ा गुरु, लड़की को इसी वक्त मेरे पास लेकर आ। खचा खच कान खुजा ले, कान पे जो फोड़ा है ना फूट जाएगा। बुढ़ाओ सुना नहीं क्या, मैनर्स के नाम पे ये खुजाना बंद कर, हाथ नीचे कर। तो तू चाहता क्या है? क्यों, अभी तक तू समझा नहीं क्या? मैं लड़की नहीं भेजने वाला, तेरे हिस्से का पैसा तेरे को कल मिल जाएगा। चूहे का टाइम खराब होता है तो वो बिल्ली के सामने खुद आ जाता है। ठीक है, तू बूढ़ी बिल्ली, लगता है तू चिढ़ गया है। रे जा अपने बिल में दूध पीकर सो जा। एक बार फिर से सोच ले, तुझे पता है ना तू किससे पंगा ले रहा है? भैया मेरे से पंगा लेने से पहले तेरे को सोचना चाहिए था, पंगा लेने के बाद नहीं। अरे ओ हीरो वाले डायलॉग मत बोलवा, चल फोन रख। तू पहले कभी मुंबई आई है क्या? नहीं। इधर का रहस्य मालूम है क्या? रहस्य? अरे वही जो खजाने के बारे में, मर्डर टेप, उसके बारे में। नहीं पता, पर हाँ मेरे पास खजाने की एक कहानी है, तुम्हें सुनाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। इसे जानता है? ये जरूर नरसिम्हा रेड्डी का काम होगा। Thank you.
रेडी? यू रेडी? तुमने कहा था लड़की तुम्हारे साथ है, और भैया ने फोन किया और कहा कि लड़की मेरे पास है। आखिर लड़की है तो है किसके पास? लड़की ना रेडी के पास है ना भैया के पास, लड़की मेरे पास है। हा? भाई सभी लड़की के पीछे पड़े हुए, ऐसा इसमें है क्या? अरे इससे तुमको क्या लेना देना, और तुम कौन हो? लेना देना नहीं है, तेरे को लड़की चाहिए ना, मेरे को पैसा चाहिए। एक हाथ पैसा दे, दूसरे हाथ से लड़की ले जा। अच्छा सभी लोग कह रहे हैं कि लड़की मेरे पास है, मेरे पास है। मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं तभी भरोसा करूंगा जब तुम लड़की मुझे दिखाओगे। भरोसा नहीं है ना, एक काम कर, फोन पे पकाना बंद कर और वीडियो कॉल कर, लड़की दिखाता हूँ। कौन है? कौन है ये? शाहरुख का मैनेजर। ओ, फोन में ही कहानी सुनाऊं क्या? बोल। ओके है ना? ओके, होटल पे आ जाओ, टेक द मनी। एक्सक्यूज मी, मिस मली? हाँ बोलिए। मैं पता है शाहरुख खान के मैनेजर। हाँ मैडम, एवरीथिंग इज सेट, वी कैन मूव नाउ। बिल? ओ डोंट वरी, आप बिल की चिंता मत कीजिए, आइए चलते हैं। क्या हुआ? गुरु? गुरु ओ, उसे जरूरी काम था, वो चला गया, वो बाद में फिर आकर मिलेगा। कम प्लीज। यस, हेलो, मिल गई? श्योर। नाम? नाम क्या है? मल्ली। मैं आता हूं। Get my jet ready. शाहरुख के लिए कहानी है क्या? ऐसे बोल रही है जैसे तेरे को मुंबई ले जाने के मेरे को पैसे मिल रहे हैं। तेरे को फंसा के मैं तो जैसे करोड़पति बन जाऊंगा ना। तेरा सपना नया था, तेरा सपना महान था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तेरी मदद कर दूं। ये लाइफ ना सेल्फिश है, अगर हम अच्छा बनना चाहें ना तो जो चाहे वो कर सकते हैं। बारिश की तरह होता है, ऊपर देखेंगे तो भी पता नहीं चलता। पानी की बूंद जब हम पर गिरती है तभी हमें पता चलता है कि बारिश हो रही है। तुम तो ऐसे बैठी हो जैसे कुछ लुट गया है। I understand the feeling, हाँ? Take it, hey Mary, take it, go, go. ओ भाई, अब तुझे क्या हो गया? बोलना भाई।
कुछ अच्छा नहीं लग रहा यार। तू कहां से दुखी बिखी होने लगा भाई? लड़की को छोड़ के मैंने गलती कर दी। तू कहना क्या चाहता है? उसको पैसे लौटा देते हैं और लड़की को वापस ले आते हैं। तुझे पता है ना तूने लड़की किसको बेची है? विजय सम्राट को बेची है। तेरे को उसके बारे में कैसे पता? कैसे क्या बोलता है क्या? जब मैंने कहा 10 करोड़ की 10 लाख की नहीं तो तूने कॉल कट कर दिया। तू वहां लड़की ले गया, वहां से पैसे उठा कर ले आया, बात तो खत्म हो गई ना। मैंने गलत कर दिया। अरे क्या गलती कर दी, कैसी गलती कर दी? तू उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कर। मेरे को पता है मैंने सही किया या गलत। हाँ लेकिन अभी मेरे को लगता है उस लड़की को वापस लाना ही होगा। देख भाई, अच्छे आदमी की एक्टिंग ना तुझ पे सूट नहीं करती। मेरी बात ध्यान से सुन यार, इतने पैसे हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं, क्या मस्त लाइफ हो गई है यार। इसी जिंदगी के लिए तो हम तरसते थे ना। वो लड़की बेचारी मासूम लड़की है। मैं इस बात को लेकर नहीं जी सकता कि मैंने उस लड़की को धोखा दिया है। कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में नहीं जा सकते। मेरी बात सुन। सुन ले, तू भले ही उसे पैसे दे देगा लेकिन वो लड़की तुझे नहीं देगा। मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? हिलना मत, हिला तो गोली चला दूंगा। ये क्या है? रिवॉल्वर है। वो तो पता है, तेरे पास कहां से है? मुझे पता था तू जरूर ऐसी हरकत करेगा। चुपचाप पैसे रख दे वरना मेरे हाथ से गोली चल जाएगी। बोला ना रख। गोली चला। हां चला ना। ए क्या ढूंढ रहा है? रबर बुलेट है ये। हर अमीर आदमी के पास एक रिवॉल्वर होता है। अब चूंकि मैं भी अमीर हो गया हूँ इसीलिए मैंने अपने लिए एक नकली खरीद ली। अच्छा सुन, जब तुझे लगा कि लड़की पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जब तुझे लगा कि दोस्ती भी पैसे से इम्पोर्टेंट है, तब मैंने भी सोचा कि हम दोनों जाएंगे और लड़की को लेके आएंगे। चलो भाई कम ऑन। क्या हुआ? जा पहले कपड़े पहन। सॉरी, जब मैं इमोशनल हो जाता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कपड़े पहने भी कि नहीं। नेचर अच्छा है मेरा। हेलो, मैं तेरे पैसे वापस दे रहा हूँ, तू लड़की वापस कर दे। चल। कौन है तू? कौन सी लड़की? हेलो, मैं गुरु बोल रहा हूँ, वो लड़की मल्ली नाम की लड़की। हेलो। हेलो सर। रॉबर्ट, लड़की कहाँ है? हमेशा की तरह वो आपके घर में है सर। आई विल कम इन 30 मिनट्स। ओके सर। मल्ली को मैं रेडी होने के लिए कहता हूँ सर। मैं कब? भाई यहाँ तो लगता है सिक्योरिटी फुल टाइट है। टाइट इसको बोलते हैं, इसको थोड़ी बोलते हैं। अरे वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अंदर कैसे जाएंगे ये सोचो। अरे क्या करने जा रहा है भाई? भाई भाई, तेरे पैर पकड़ता हूँ भाई। बोला ना कि अंदर आना मुश्किल है, देख मैं तेरे को अंदर कैसे ले आया। चुप रह, हमने आप पर पत्थर फेंका था, बल पर लग गया भाई। भाई भाई भाई, प्लीज भाई छोड़ दीजिए। भाई भाई भाई, सुनिए। क्या काय को तू उसके सामने ऐसे भीख मांग रहा है? क्या रे, तुझे लगता है मैं भीख मांग रहा हूँ? अरे बजट नहीं है इसलिए मुंह से म्यूजिक बजा लिया। अब बता बात क्या है? सिक्योरिटी से माचिस चुरा लिया मैंने। अरे 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 क्या बात है, राजा रैंचो सीरियल में बंदर मदद करता है वैसे ही तू मेरी मदद कर रहा है। अपने को राजा समझता है? तू मान रहा है ना कि तू रैंचो है? तो तू मेरे लिए केला खरीदेगा क्या? तू मुझे शाबाशी नहीं देगा? मैंने उसे माचिस चुराई है। तुझे शाबाशी काहे को दूं? मेरे पास तो लाइटर है और तू माचिस के लिए भीख मांग रहा था। चलो ले। इधर 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 कोई आ रहा है। कौन है? कोई नहीं है। चल इधर आ, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी है, कोई इधर आ रहा है। ऐसा क्या? कोई नहीं दिख रहा। तू चल। तो मैं जाऊं? चलना। मुफ्त का जूता है यार। किसका है रे? मंदिर से चुराया है। ये पैरों में पहनते हैं क्या? और कहां पहनते हैं भाई। मैंने हाथों में पहन लिया है भाई। अरे क्या हुआ? कोई आ रहा है। लगता है हम लोग फंस गए हैं। फर्स्ट वाले ये क्यों आवाजें निकाल रहा है? बोलो आ जाएंगे तो चुप कर। निकल यार।
हटना वहां से। सिक्योरिटी अलर्ट, सिक्योरिटी अलर्ट, दो लोग अंदर घुस गए हैं, ओवर। पहले मैं आया हूं, मैं खड़ा रहूंगा यहां पे। वो दोनों यहां से भाग गए, ओवर ओवर। नहीं नहीं वो अंदर ही है, ओवर। उन दोनों को तो तुझे ठीक से सुनाई नहीं देता है क्या? इसने कहा ना वो लोग भाग गए, चल ऑफ करके सो जा। आई विल फाइंड यू एंड किल यू। गुड लक। कैसा था भाई? कहां गया? कौन हो? ये कैसे इंजेक्शन लगा रहे हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तो जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस तरह सिक्योरिटी के भेष में। अरे बाप रे, चल निकल। अरे कहाँ भाग रहे हैं हम लोग? सिक्योरिटी ड्रेस में, डरने की जरूरत नहीं। हे भाई, समझ गए, सम्राट का कमरा हो सकता है ये। मल्ली वहाँ है। प्लीज, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, सिनेमा का डायरेक्टर बनाऊंगा बोलकर एक फ्रॉड मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। ध्यान से देखो, क्या ये वही फ्रॉड है? ए, शकल दिखा। ए? अरे मल्ली, 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 मल्ली सुनना, तू यहीं पर काम करता है ना? मल्ली मेरी बात सुन, मैं तेरे को बचाने आया। और कितने झूठ बोलेगा तू? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, बचाना आया। तुझ पर भरोसा करके मैं यहाँ मुंबई आई। क्यों आई थी? ये क्या ढूंढ रही है यार? तुझे मारने के लिए कुछ ढूंढ रही है। मल्ली 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 संभल के, संभल के मल्ली, मल्ली, अरे मल्ली ये क्या कर रही है? मल्ली वो लग जाएगा, मल्ली छोड़ूंगी नहीं तुझे। भाई तू मेरे लिए क्यों मार खा रहा है? मैं मार खा रही रहा, तू खिला रहा है। अरे देख तू टीवी उठा रही है। अरे बड़ी कुकार है यार, रोको से। मैं तेरे को बताता हूं, ए इसको पकड़ना। अरे भाई चल 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 चुप कर, अभी पहली बार चुप हो जा। अरे हिम्मत मल्ली, चल 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 चल, इसके जूते खा ले। चुप हो जाना, तेरे को मैं सब बताता हूँ। अगर तू चिल्लाएगी तो हम सब पकड़े जाएंगे। शांत हो जा, मैं बचाने आया हूँ। बाप रे, इस दानव के जूते का साइज 24 लगता है। मेरा यकीन कर यार। ए भाई, हम लोग पकड़े गए, वो यहीं पे खड़ा है। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। हाँ। ये कैसी आवाज थी? अरे मारना है तो ठीक से मारना, ये ले मार। जिंगर तू इसको लेके जा, मैं इन गुंडों को संभालूंगा। मिस मल्ली, मल्ली, मिस मल्ली, हेलो सर। क्यों रॉबर्ट, वो रेडी है? फ्यू मिनट्स सर, फ्यू मिनट्स। यहाँ क्या हो रहा है मलिक? अगर वो लड़की हमें नहीं मिली तो सबको चुन चुन कर सम्राट बोटी बोटी काट कर कीमा बना देगा। जाओ ढूंढो। ओके सर। सिक्योरिटी। ए कौन है बे तू? वीडियो कॉल करके मुड़ कर क्यों खड़ा है? चेहरा दिखा। मदन, चाइना मदन। तू जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो मेरे पास है। अच्छा तो तेरे पास है? भरोसा नहीं हुआ ना,
एक मिनट। देख लिया, 10 करोड़ दे और इसे लेकर जा सिंगल पीस में। दे दूंगा लड़की लेकर अंदर आ जा। आई लव यू। पार्टी ने ओके कर दिया ना, एक्टिंग अच्छी थी ना। पहले चेहरे पे मास्क पहन ले। मेरी बात हो गई है, 10 करोड़ फाइनल कर दिया है। 2 घंटे में तो मास्क निकल ही जाएगा। जब तक मैं बोलूंगा नहीं, इसे उतारना मत। और मैंने जैसे बताया है एक्टिंग करती रहना। हाँ तो सम्राट को देखते ही तुम क्या करोगी? मैं उन्हें गले लगा लूंगी, उनके कान को काटूंगी, उन्हें चूमने लग जाऊंगी, किस करूंगी। अबे तेरी तो इतना समझाने के बाद भी दिमाग में कुछ नहीं घुसा। मैंने बताया था कि सम्राट एक साइको है, वो जो खुद करेगा उसे करने देना। हमेशा की तरह अगर तू खुद गले लगेगी तो वो जान जाएगा तू डुप्लीकेट है। सॉरी मदन। क्या सॉरी मदन, डुप्लीकेट चीजें बनाने में नंबर वन है चाइना, उसके बाद है मदन। इसीलिए मेरा नाम है चाइना मदन। हाँ? वाह, सुपर है ना। छोड़ो, बचाओ कोई, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो, छोड़ो, ये कौन है? फास्ट, फास्ट, ड्रेस चेंज करो, होल्ड इट। हाथों में पैसा और मुंह के लिए जूस। मलिक। क्यों, जूस मिल गया ना तुमको? हाँ, ये लड़की यहीं पर थी, उसे ले जाकर ड्रेस बदल कर हमसे 10 करोड़ रुपए मांग रहा है। क्या कहा, यहाँ की लड़की? सर क्या हुआ रॉबर्ट, और कितनी देर? फ्यू मिनट्स सर, फ्यू मिनट्स। गो गो, फास्ट फास्ट फास्ट, गो। अरे अभी तो इसको काले झिंगुर के साथ भेजा, ये ड्रेस बदल कर इसको ले जा रहे हैं, वो काले झिंगुर से एक काम नहीं होता। राम जी क्या कर रहा है इधर? अरे क्या कर रही हो? अरे 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 रुको, अरे क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? अरे को सुन ले तुम्हारी आवाज, चुप रहो, चुप रहो। क्या है, तुम्हें बचाने आए और मार रही हो? पता है मैंने उस पर कितना भरोसा किया था, पर गुरु ने मुझे धोखा दिया है। अरे काहे को धोखा दिया, अगर इसकी जगह कोई और होता तो 10 कोड़े मार के भाग जाता। वो यहाँ इसीलिए वापस आया क्योंकि तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो, इतनी सी बात समझ में नहीं आती? अब मुंह क्या देख रही हो, तब से दिमाग खराब कर रखा है हमारा। गुरु क्या सच में मुझे यहाँ लेने आया है? जी बिल्कुल। सॉरी, गुरु कहाँ है? वो वहाँ अंदर है। अब मैं जाकर गुरु को बचाऊंगी। तुम उसे कैसे बचाओगी, वो उन लोगों को चकमा देके वापस आ जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं, ऑटो पकड़ के भाग जाएंगे। चलो चलो। अरे क्या कर रही हो, अरे चलो मेरे साथ, पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो? यही है क्या सम्राट, इसे लाइन में ला पुष्पा। ए, मल्ली मल्ली मल्ली, ये क्या और कर कितनी देर इंतजार करना होगा? छोड़ ना मल्ली। ये मल्ली मल्ली, ये ले मुंह में रख, ये तुझे क्या हो गया? चल यहाँ से निकलते हैं। कहाँ? बाहर। बाहर अगर कोई देख लेगा तो? मैं संभालूंगा ना। ठीक है अगर तुम कहते हो तो, अगर किसी ने देख लिया तो? तेरे को क्या हो गया, ऐसे कैसे बात कर रही है? अच्छा ड्रग्स दिया इसको सम्राट। अरे अरे, नीचे कहाँ जा रही है? चल वहाँ से चलते हैं जल्दी। सम्राट आ जा। अरे चलो तुम यहाँ से। कहाँ ले जा रहे हो? अरे वो किसी तरह बाहर आ जाएगा, तुम तो चलो यहाँ रुको मत। मैंने कहा था ना कि वो लड़की को यहाँ लेकर आएंगे और पैसे लेकर जाएंगे। क्या बात है भैया, भैया हम लड़की लाके दिए, पैसा लिए, खुद एंजॉय कर लिया, अब हम इसको बचाने आए हैं। कुछ पता नहीं है इसका मकल को, पंच डालो। भैया मुझे मच्छर गुदगुदी हो रही है। ये जो कह रहा है वो सच है, गुरु मुझे यहाँ बचाने आया है, वो बहुत अच्छा है, मुझे उससे मिलना है। मिलना है तुझे उससे? हम बोले ना बचाने आए हैं तो लेके क्यों जा रहे हो? मिस मली, हेलो सर। रॉबर्ट, लड़की रेडी हुई क्या? फ्यू मिनट्स सर। अगर लड़की नहीं आई तो फ्यू मिनट्स में तेरी लाश मिलेगी। मिस मली, विश्वनाथ तू कहाँ चला गया था यार? पेट खराब था, बाथरूम गया था। लड़की दोबारा गायब हो गई है। क्या कह रहे हैं सर? गो 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 गो, चलो ढूंढो ढूंढो उसको। हेलो रॉबर्ट,
वो लड़की यहाँ मेरे साथ है। तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ कॉमेडी कर रहे हो क्या? ए, मैं इसके साथ सम्राट के घर के सामने हूँ। अच्छा, तुझे 10 करोड़ रुपए दे दूँ? अब 15 करोड़ देता हूँ, देता हूँ। लड़की को लेके अंदर आ जा। हाल कट। इन सब के सामने तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे थप्पड़ मारे? रॉबर्ट, ये रही लड़की, संभालो इसे। ये वो लड़की नहीं है जो आपको चाहिए थी, डुप्लीकेट है ये। ये क्या कह रहे हैं? अरे मैंने ही इसके लिए मास्क बनाया है, तो मैं क्यों नहीं जानूंगा। इसके चेहरे को पकड़ो और मास्क खींचो, रबर का है, चलो खींचो। बेवजह क्यों कंफ्यूज कर रहा है मुझको? मास्क निकला क्यों नहीं? हेलो सर। ए, उसे तू भेज रहा है या नहीं? फ्यू मिनट सर। सम्राट के रूम में जल्दी लेकर जाओ। अरे अरे, तू इधर चौकीदारी क्यों कर रहा है? ए भाई, अभी अभी भैया इसे अंदर लेके गए और तू इसे बाहर लेके आया। क्या सुपरमैन की स्पीड है यार तेरी? भैया इसको अंदर कैसे ले जा सकते? और कितना टाइम वेस्ट करोगे? इसे इंजेक्शन दिया इसलिए इसे बक रही है। चलो, अरे चलो। हाथ छोड़ो मेरा। चाइना मदन ने कहा था एक ही आदमी होगा, दो लोग नहीं चलेंगे। इसका यही लोच है साला। बहुत खूबसूरत है। तू कौन है? मैं इमली की पेड़ हूँ पुष्पा। चाइना मदन ने मास्क पहनाकर मुझे यहाँ भेजा था। अरे बाप रे, तो मल्ली। तू जाकर मिली को ले आ। मेरा नाम सम्राट है, तुम्हारा क्या रेट है? बताओ बताओ। सम्राट कहाँ है? मैं तेरे को मिला था ना, पहले ये मास्क पहन ले। अबे रे, ऐसे हंस मत, जा उससे पैसे मांग, जल्दी मांग। रॉबर्ट, पैसे दे और इसे लेकर जा। ओ मलिक। क्या हुआ? अरे अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, अंदर जाएंगे कैसे? अंदर बहुत लोग हैं क्या? हाँ है ना, एक बार फिर से देखना। सभी एक जगह पर हैं। मेरी बातों का तुझे भरोसा नहीं होता है क्या? मैं जा क्या? अरे दगाबाज ने फंसा दिया। तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे लिए मर जाएंगे। तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। यही तो लव है। मैं गुरु को बहुत मिस कर रही हूँ। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट्स योर नेम? आई डोंट नो सर। सर, भागने का मेरे पास एक आइडिया है सर। तू मुझे आइडिया बताने वाला कौन होता है बे? वो मैं खुद तय करूंगा। लुक एट मी। ये कैसे किया सर? फिंगरप्रिंट्स के साथ ग्लव्स बनाने में मुझे कोई मात नहीं दे सकता मदन, चाइना मदन। पर गुरु आएगा, मेरे लिए जरूर आएगा। गुरु आ गया, मैं इसके साथ ही यहाँ आई थी। हांगकांग या चाइना की है? ये इंडियन है। अंदर आओ। आजा, आना तू। जा। मैं गुरु के साथ जा रही हूँ, बाय। ये क्या था? मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था गुरु, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरे गुरु, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। गाना बंद कर वरना पकड़े जाएंगे तो ये ढोलक समझ के फाड़ देंगे। शांत हो जा तू। अरे मल्ली, तू हंस रही है कि रो रही है? सम्राट, सम्राट। तू कौन है बे? केक पर बैठा हुआ मिकी माउस लग रहा है, ये छोड़ना। सर आप मुझे बेइज्जत कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तेरी बेइज्जती करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? चलता हूँ। सर, सर, सर। ये कौन है? पुष्पा। जिसने तुम्हारे लिए मास्क बनाया तुम उसे नहीं जानती पुष्पा, ये मैं हूँ। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है तेरी वजह से हो रहा है। सर मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं चला जाऊंगा सर। तू इंतजार कर, मैं जाता हूँ और मैनेजर को तेरे पास भेजता हूँ। जस्ट वेट। ए, अगर तुम अंदर जाकर मैनेजर से मिले बिना मजे करने में बिजी हो गए तो यहाँ धोखा कौन खाएगा? गुड क्वेश्चन। तो हम दोनों इधर इंतजार करते हैं, तू जाकर मैनेजर से मिल और पैसे ले ले। ओहो,
तो क्या करें? अरे घोचू, हम यही हैं। तू जा मैनेजर से मिल, मेरा नाम ले और पैसे ले। क्या तुम यहाँ रुकोगे? हाँ। और मैं अंदर जाकर पैसे ले लूं? बोल दे, सम्राट सर ने बोला। क्या बात है, सम्राट सम्राट। ओके। मुझे मत मारो प्लीज। तुम्हें जो लड़की चाहिए थी उसे एक लड़का ले जा रहा है। सर, सो सून। आर यू हैप्पी सर? मेरा प्राइस सर। क्या हुआ सर? डोंट मूव। ने किया क्या? पैसों की लालच में सम्राट को मारने की कोशिश कर रहा था। ए, कौन है सम्राट? कैसा बेवकूफी वाला सवाल कर रहा है? लड़की जिसका हाथ पकड़ के खड़ी है ना, वही तो सम्राट है। वेरी गुड गुरु। मैं नहीं, वो है सम्राट। हाँ, ये भी मेरा नहीं है। क्यों चाहिए वन मोर? सर, रजनी या सिंबू की नकल मत करो, नेचुरल करो, कैजुअल होना चाहिए, डांस लग नहीं रहा है। अरे डांसर होता तो डांस पे पिक्चर बनाता ना, ABCDEFGHIJK। ए नाचे क्या? हो गया? वन मोर करेगा कि नहीं? मैडम लाइट जा रहा है मैडम। अरे शाम के 4 बजे लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, ये किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ? इससे कहो ज्यादा बोलेगा तो मैं हीरो को बदल दूंगी। हाँ तो ठीक है, हीरो बदल दो ना। गुप्ता चना भंडार वाले का बेटा हीरो बनने के लिए तैयार है। सर, डायरेक्टर से ऐसे बात मत करो। एक लाफा दूंगा ना डायरेक्टर वाले। तुम दोनों जाओ यार, मैंने बोला ना मेरे को डांस नहीं आता, नहीं करूंगा। सर बात क्या है? जी, सर, जी, सर। ये सॉन्ग शूटिंग है या फाइट शूटिंग? अरे सर जी, सबने इसकी कहानी को मना कर दिया। मैंने हाँ बोला क्योंकि मेरे को इससे शादी करनी थी। ये हीरो बनाकर मेरे से बदला ले रही है। सच है क्या? मास्टर अब ये हीरो है और इससे पहले ये धोखेबाज भी था, पता है? क्यों, क्या हुआ? हेलो, बताओ कि इससे पहले तुम क्या करते थे? अरे अरे, इंटरेस्टिंग लग रहा है, बताओ बताओ। अरे सर जी, अरे ये गप्पे शप्पे लड़ाई की क्या टाइम पास करना, अरे बिग बॉस में जाके तुम बिगड़ गए हो यार। ठीक है ठीक है मास्टर, मैं जाकर शॉट रेडी करती हूँ।
विनीता इस लड़की से बेहतर। मैं देखती हूँ ये कैसे नहीं नाचता है। इधर आ। हाँ? इधर आना। क्या? मैंने बोला ना डांस नहीं आता, क्या करेगी? रात को घर आओगे ना तो तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। नाचूंगा। ये हुई ना बात। रेडी सर जी, टेक करते हैं।